अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। अकोटफेल के नायगांव परिसर स्थित घर में चल रहे जुआ अड्डे पर विशेष पथक ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें 84,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त कर 19 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मिली गुप्त जानकारी के आधार पर अकोटफेल के नायगांव परिसर के एक घर में जुआ खेला जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर विशेष पथक ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें 19 आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उनके पास से नगद 20,000 रुपए एवं 9 मोबाइल जिसकी कीमत 64,000 रुपए, ऐसा कुल 4,84,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त कर उनके खिलाफ 188-270 की धारा के साथ गुनाह दाखिल किया गया, जिसमें आरोपी नामे फिरोज यूसुफ कामन वाले, आसिफ खान, शब्बीर खान, रिजवान साहिल चौधरी, शेख नाजिम, शेख नजीर, सलीम शाह, रशीद शाह, शेख मोहम्मद, शेख हुसैन, रफी, शेख बुरहान, फिरोज कालू पप्पू वाले, चांद मक्खन मिनसुर वाले, फिरोज बंसी चौधरी, पीरू मोहम्मद चौधरी, जाकिर इस्माइल परसू वाले, हमीद खां हनीफ का, जावेद खान चौधरी, अब्दुल सलीम अब्दुल कादिर, चांद फजल परसू वाले, साबिर रमजान पप्पू वाले, सोहेल महबूब गोरवे, शाहरुख यूसुफ कामन वाले का समावेश है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल एवं उनके टीम ने की है। ये कार्रवाई अकोला जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पथक ने की है। क्या ये जानकारी अकोटफेल पुलिस को नहीं थी जो विशेष पथक ने की है, ऐसा सवाल स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। अकोला 24 न्यूज के लिए राजेश अमृतकर की विशेष रिपोर्ट।